أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप से इतना दिल का लगाव हो गया कि दिल चाहता है आपसे अपनी ख़ास बातें भी शेयर की जाएं। तो स्टार्ट था हमारा, बात शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स से है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। आप जब वीडियो देखते हैं तो लाइक के बटन पे अगर आप उंगली लगा देते हैं तो माफ़ी मुश्किल, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये मैं बात आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट में हम एक दफ़ा जब बाबा अशरफ से मिले, जो दरिया के किनारे बैठा होता था, जब उसका हमने चमकार देखा तो हैरत भी हुई, अकल नहीं मानती थी कि यार ये काम भी हो सकता है, क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, दलाइल और मंतक के ऊपर चलते हैं। तो हमने फिर कोशिश की कि पता चले कि यार ये शोभदाबाजी तो नहीं हमारे साथ कर रहा, लेकिन ऐसा मामला नहीं था। तो बाबा अशरफ ने एक सिंपल सी हमें बात बताई तो हम चल पड़े भाई वो काम करने के लिए। ये आप भी थी है, आपको बता रहा हूँ मैं। हमने एक तोला पारा लिया और एक तोला कली ली, कोई साफ नहीं किया, मसफ़ा नहीं किया, कोई रगड़ाई खरलाई कुछ भी नहीं किया। बाबा जी ने जैसे बताया था, दो तोले हमने मंसल जो थी वो कुजी में नीचे डाली, बीच में हमने पारा डाला उसके ऊपर, पिसी हुई मंसल थी, ऊपर हमने पारा डाला और उसके ऊपर वो टिन कली जिसे इट कली कहते हैं, टिन जो है उसकी पतरी जो सी थी वो हमने रख दी। रखने के बाद उसके ऊपर दो तोले मंसल पिसी हुई और डाल दी। अब कुजी में जो जगह खाली बच गई उस पर हमने रुई रखी खूब अच्छी तरह से, ऊपर ढक्कन लगा के उसे कपड़वट्टी किया, सुखाया और दरिया के किनारे पे एक साइड पे चले गए हम। वहाँ पे एक छोटा सा टोया सा था, उसमें उसको रख के 2 किलो ओपनों की आग दे दी हमने। तकरीबन हमारा सारा दिन ही लग गया इस काम में। जब कुजी ठंडी हुई तो हमने जब उसे खोला तो उसके अंदर पत्रियाँ सी थी, डली थी, ऊपर से काली थी, अंदर चमकीली चमकीली पत्रियाँ सी बनी हुई थी। बड़े हम खुश भी हुए, हम लो जी एक मामले में हम कामयाब हो गए। उसने आगे हमें वो चलाना नहीं बताया। उस वक्त एक हमारे साथ सुनहरा दोस्त होता था, तो उसने उसको चेक किया तो वो हमसे जो सा था वो पैसे दे के तो वो ले गया। दोबारा ना कभी मौका मिला ना बनाया हमने, लेकिन वो बार बार हमसे मांगता रहा कि यार वही चीज़ जो आप लोगों ने पहले बनाई थी वो हमें ला के दें। इनमें कोई हमने मेहनत नहीं की थी, सिंपल जाके आग दे दी थी और वो पतरियां पतरियां सी बन गई थी। तो इस तरह के बहुत से वाकयात हुए जिनसे हमने कुछ सीखा भी। और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि अलकलाइमी एक ऐसा चैप्टर है, जिसने नहीं देखा वो मानता नहीं और जिसने देख लिया वो पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन हमारी कोशिश ये कि दोस्त जो उनसे इतने अरसे से नाकाम है वो थोड़ा बहुत मनों के टनों के हिसाब से ना बनाएं, लेकिन थोड़ा बहुत उनका गुजारा होता रहे। साथ में आपको मैं अगली वीडियो में एक और नुस्खा भी बताता हूँ। फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।